दोस्तों, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ यानी कि राजकीय मेडिकल कॉलेज जो कि चक्रपानपुर आजमगढ़ में पड़ता है, यहाँ पर बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन से संबंधित पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो यदि आप भी इस कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं कि यहाँ पर बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन कैसे होता है, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पर बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए कुल कितनी सीट्स अवेलेबल है, एडमिशन प्रोसीजर क्या रहता है और यहाँ पर फीस कितना लगता है। तो यदि आप भी ये सभी चीज़ें जानना चाहते हैं तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत इस कॉलेज के इंट्रोडक्शन के साथ करते हैं। यदि बात करें इंस्टीट्यूट नेम की तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर आजमगढ़, और इसका एड्रेस है चक्रपानपुर आजमगढ़, ये यहाँ का पिन कोड है, आप देख लीजिएगा। एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। अफिलिएटेड विद अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, इन दोनों ही संस्थाओं से ये एफिलिएटेड है। इंस्टीट्यूट टाइप की बात करें तो ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है। कॉलेज कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो www.gmcazamgarh.com, तो ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर बीएससी नर्सिंग कोर्स में कुल कितनी सीट्स अवेलेबल है। दोस्तों, यदि बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ में बीएससी नर्सिंग कोर्स की सीट्स की, तो यहाँ पर जनरल या फिर अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए जो टोटल सीट है वो है 24। EWS कैंडिडेट के लिए टोटल 6 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। OBC कैंडिडेट के लिए 16 सीट है यहाँ पर। SC कैटेगरीज के लिए 13 और ST कैटेगरी के लिए केवल 1 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। इस तरीके से जो टोटल सीट है यहाँ पर वो है 60। तो उम्मीद करते हैं इस कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए कुल कितनी सीट्स है ये अब आपने जान लिया है। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ का एडमिशन प्रोसीजर क्या रहता है। दोस्तों, यदि बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ में एडमिशन प्रोसीजर की, तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग कोर्स में जो एडमिशन होता है वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर होता है। यानी कि यदि आपको यहाँ पर बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है तो आपको फॉर्म भरना होगा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के लिए। यदि आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स और रैंक के साथ क्वालिफाई करते हैं तो काउंसलिंग के माध्यम से आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर आप सबको ध्यान देना है कि ये एक गवर्नमेंट संस्था है यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज है, तो यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको बहुत ही अच्छे नंबर लाने होंगे, अच्छे रैंक लेकर के आएंगे तभी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ का बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए जो एडमिशन प्रोसीजर है अब आप सबको अच्छे से समझ में आ चुका है। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए कितना फीस लगता है। दोस्तों, यदि बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ में बीएससी नर्सिंग कोर्स की फ़ीस की, तो यहाँ पर जो टोटल कोर्स की फ़ीस है वो है 1,26,400 रुपये। तो ये टोटल कोर्स की फ़ीस है यानी कि पूरे 4 साल की फ़ीस की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ। और वहीं पर अगर बात करें एडमिशन फ़ीस की यानी कि फ़र्स्ट ईयर में आपको कितना फ़ीस पेमेंट करना होगा, तो फर्स्ट ईयर में आपको जो फ़ीस देना है वो है लगभग 40,900 रुपये। इसमें ट्यूशन फ़ीस, सिक्योरिटी फ़ीस और भी कुछ फ़ीस हैं जो कि इसमें इंक्लूडेड है। तो फर्स्ट ईयर में जो आपको फ़ीस पेमेंट करना है वो है 40,900, और टोटल कोर्स की जो आपको फ़ीस पेमेंट करनी होगी पूरे 4 साल में 1,26,400 रुपीज़। तो उम्मीद करते हैं यहाँ का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है ये भी अब आप सबने जान लिया है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में आपने जाना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ यानी कि राजकीय मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ में बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए यहाँ पर कुल कितनी सीट्स अवेलेबल है, एडमिशन प्रोसीजर यहाँ का क्या रहता है और यहाँ पर कितना फ़ीस लगता है। तो इसी तरीके से और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ में आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना मत भूलिएगा, उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।